नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार की 3 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज भी सीएम कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज CPI MLA के नेता दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वहीं शाम 3:30 पर शरद पवार से मुलाकात होगी। शाम 5:15 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। शाम को 6:30 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार लगातार आप देख रहे हैं कि कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने किन किन से मुलाकात हो चुकी है। कि हम लोग सब तो बिहार में एकजुट है ना, सात पार्टियां एक साथ मिलकर के और विरोध में अकेले हैं, तो हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं और आपस में बहुत ही सहमति के साथ और कैसे विकास करना है, समाज के हर तबके का उत्थान करना है, उसके लिए हम लोग आपस में एक सहमति से वहां पर सब काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें किन किन से मुलाकात हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद HD कुमार स्वामी से मुलाकात हुई और आपको बता दें उसके बाद सीताराम येचुरी से भी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, ओम प्रकाश चौटाला से, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शरद यादव से मुलाकात हुई। वहीं कई और नेताओं से आज मुलाकात हो सकती है और कई और नेताओं से आज मुलाकात हुई और ये मुलाकात बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार एकजुट करना है। नीतीश कुमार इसी मिशन पर हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर सियासी माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें कि मिशन 2024 पर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए, बिहार की बात की जाए तो कई बार राजनीतिक गलियारों में देखिए कई बार ऐसा हुआ है जब बिहार प्रयोगशाला रहा है, और अभी जो मिशन 2024 की बात की जाए तो विपक्ष को कैसे एकजुट करना है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये समझिए कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कैसे रणनीति बनाई जाएगी, कैसे एजेंडा तैयार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या इस बार बिहार से ही यहां पर एजेंडा तय होगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं और आपको बता दें महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये लगातार राजनीतिक गलियारों में और खासतौर पर आपने देखा कि बिहार में ये चर्चा होने लगी कि क्या पीएम के रेस में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि JDU की तरफ से तो देखिए ये बार बार कहा जाता है कि अगर चेहरे की बात की जाए कोई टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तो नीतीश कुमार है। कि और आपने देखा होगा कि स्लोगन भी सुनने को मिला था कि बिहार ने देखा अब देश देखेगा। सबसे बड़ी लेकिन बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मैं सिर्फ एकजुट करने आया हूं और लगातार जिम्मेदारी है कि एक चर्चा की जाए और एक सकारात्मक पहल किया जाए। तमाम जानकारी के साथ नेहा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहां एजेंडा तय करने आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जानना चाहेंगे आज की बात की जाए, आज किन किन से मुलाकात होगी, क्या वक्त तय किया गया है? नेहा, नेहा क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नेहा से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए राहुल गांधी से मुलाकात हुई और राहुल गांधी से मुलाकात हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। इसलिए देखिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि कहीं थर्ड फ्रंट की बात जो कई बार सामने आ रही थी उस पर चर्चा हुई थी। लेकिन देखिए JDU की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा और कांग्रेस के साथ ही एकजुटता बनाई जाएगी। और बार बार कहा जा रहा है कि देखिए विपक्ष को एकजुट होना होगा और BJP के खिलाफ। जी हां, आपको बता दें कि ये जो रणनीति बनाई जा रही है BJP के खिलाफ बनाई जा रही है 2024 मिशन है, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उसे लेकर बिहार में भी यहां पर JDU की तरफ से आप देख रहे हैं कि लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। नेहा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नेहा, आज की मुलाकात भी अगर देखा जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई अहम नेताओं से होने वाली है, क्या कुछ खास है आज का दिन? नेहा,
नेहा से संपर्क अब बाद में करेंगे, लेकिन और तमाम खबरों आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यही है कि कई नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और कई नेताओं से आपको बता दें कि आज मुलाकात होगी आगामी चुनाव को लेकर सीएम की। आपको बता दें कि यहां पर जो रणनीति, और देखिए इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी हो रही है, और आपको बता दें कि लगातार जो हलचल हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि क्या ये जो घूमने पहुंचे हैं ये वाकई एकजुटता करने पहुंचे हैं या अपने आप को चमकाने पहुंचे हैं। इसे लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। नेहा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नेहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेहा, मेरा सवाल ये है कि आज का दिन बेहद खास, कई अहम नेताओं से मुलाकात हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, आज आखिरी दिन और एजेंडा तय होगा और मुलाकात आज भी होगा। देखिए कुछ मुलाकातें और अभी बाकी है, जैसे शरद पवार से मुलाकात का समय 3:30 से 4 के बीच में तय किया गया है। शरद पवार से मुलाकात अहम भी मानी जा रही है। उसके बाद औपचारिक मुलाकातें हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। हालांकि इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग जरूर नीतीश कुमार करेंगे और एक औपचारिक बयान भी अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा पे देंगे मीडिया से। जिस तरीके से अंदरखाने से जो खबर आ रही है वो ये कि पूरे यात्रा में क्या कुछ निष्कर्ष निकला, नीतीश कुमार तमाम नेताओं से मुलाकात करने के बाद क्या दिल्ली से वापस लेके जाएंगे, क्या दोबारा वो दिल्ली यात्रा तय करेंगे, क्या फिर से वो नेताओं के साथ कोई मीटिंग होल्ड करेंगे, इन सब चीजों पे शाम 7 बजे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल इन मुलाकात के बाद एक चीज जरूर अहम मानी जा रही है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, 7 दल एक साथ आए, इसको लेकर देश में जरूर नीतीश कुमार एक उत्साह और एक एनर्जी देख रहे हैं, और इसी चीज को लेकर और इसी स्टेटमेंट को लेकर नीतीश कुमार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने दीपांकर भट्टाचार्य के साथ मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की बात सुनी होगी, या इसके पहले भी डी राजा के साथ, ये सीताराम येचुरी, तमाम लोगों से जब मुलाकात कर रहे हैं, तो एक बात जरूर यहां पे जरूर बोली जा रही है कि बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, उसी तर्ज पे देश भर में तमाम विपक्षी दल अगर एक हो जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है 2024 लोकसभा चुनाव, और यही बात नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं। तमाम नेताओं के पास भी इस मुद्दे को रखा जा रहा है। हालांकि ज्यादा देर की मुलाकात आज दीपांकर भट्टाचार्य के साथ नहीं रही, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि लंबे अरसे से हमारे जान पहचान है, हमारे संबंध है इन सबके साथ, और अब हम चाहेंगे। लेकिन नेहा देखिए, विपक्षी दल है, एजेंडा तो कुल मिलाकर 2024 है, और देखने वाली बात है कि आगे ये जो मुलाकात हो रही है ये आगे क्या कुछ रंग लेती है, क्या वाकई विपक्ष एकजुट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार